सो गाइस, उठ गया था टाइम पे। मैं अभी 9 बज गए जाने एयरपोर्ट के लिए, और सब चीज़ अच्छे से हो गया। रात को अच्छे से नींद मिल गई, तो जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे। हाँ मास्क निकालना पड़ रहा है, एक मास्क और ये फेस शील्ड। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़, मैं टर्की से दोहा में ट्रैवल कर रहा हूँ, और आपको बताता हूँ कि मेरा सराउंडिंग में क्या है। मेरे सराउंडिंग में कुछ नहीं है, आप देख सकते हो। लाइक खाली फ्लाइट्स मुझे मिली है, लेकिन इतनी खाली फ्लाइट्स कभी नहीं मिली है। सिर्फ यहाँ पे नहीं है, हर जोन में पूरी के पूरे लोग खाली है। हर कंपार्टमेंट में सिर्फ 3 से 4 लोग ही है, पूरी की पूरी फ्लाइट खाली जा रही है। घंटा भर इंटरनेट हमें फ्री मिला है, और पूरे लाइक डिपार्चर से लेकर अराइवल तक का अगर आपको चाहिए वाईफाई, तो कुछ $10 में आपको मिलेगा। बहुत चीप कर दिया गया है, ड्रिंक्स वगैरह अनलिमिटेड है, खाना पीना जो आपको चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हो। ऐसा मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था, ये सब पहली बार दिख रहा है। तो कोरोना वायरस की वजह से किसी को ट्रैवल नहीं कर रहे, तो अगर आपको वर्ल्ड ट्रैवल करने का मन है आपका, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ट्रैवल करने के लिए। थोड़ा सा रिस्क है, डेंजर है, लेकिन बिना रिस्क लिए हुए कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो फ्लाइट्स का जो फेयर है वो सब भी कम है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया में फ्लाइट्स अवेलेबल ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी तो मेरा चार्टर फ्लाइट है दुबई से दिल्ली का, दिल्ली में 7 दिन क्वारंटाइन है, उसके बाद फिर मुंबई का लिए डोमेस्टिक फ्लाइट मुझे करना पड़ेगा, फिर मुंबई जाऊँगा। मुंबई में पता नहीं क्या सीन है, हेल्थ वाले आके वहाँ पर भी क्वारंटाइन करेंगे, क्या होगा कुछ आइडिया नहीं है। इंडिया में लॉकडाउन खुल जाएगा अगर फ्लाइट्स वगैरह चालू हो गए इंटरनेशनल फ्लाइट्स, तो ट्रैवल करो आपका जहाँ मन है। फ्लाइट्स वगैरह बहुत चीप रेट पे मिल रही है, अभी जहाँ घूमना है घूमो और एंजॉय करो यार। थोड़ा सा प्रोटेक्शन रखो और थोड़ा अपने आप पे ध्यान दो, बाकी कुछ ना टेंशन नहीं। एक दिन पूरी हो गई और अभी लैंड करने वाले हैं दुबई एयरपोर्ट पे, तो सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बंद करने बोला है, कैमरा वगैरह। तो देखता हूँ एयरपोर्ट पहुँच गया वो ठीक से, तो अभी बताता हूँ दुबई एयरपोर्ट पे क्या क्या बोला है, क्योंकि बहुत लंबा स्टे है। तो मिलते हैं दुबई एयरपोर्ट पे। Thank you.
जैसा मैंने आपको बोला था कि दोहा में 18 घंटे का वेटिंग है, तो 18 घंटे के वेटिंग में एयरपोर्ट पे से बैठ के नहीं निकल सकता, तो यहाँ पे लॉन्च में आया था मैं 12 घंटे का, कुछ $110 लिए, काफ़ी अच्छा है क्योंकि मैंने लॉन्च में आने से पहले मैंने बाहर से कुछ चीज़ बाय किया खाने के लिए, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है बाहर। अगर आप लोग कभी भी दोहा ट्रैवल कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा कि लॉन्च में आना, लॉन्च काफ़ी अच्छा कन्वीनियंट होगा और चीप होगा और आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पे, लाइक अनलिमिटेड ड्रिंक्स है, अनलिमिटेड फूड है, सोशल डिस्टेंसिंग भी अच्छा मेंटेन होगा यहाँ पे, ज़्यादा क्राउड भी नहीं है और आप अच्छे से अपना नाइट यहाँ पे बिता सकते हो सो के। तो अगर आपको आना रहेगा तो यहाँ पे आ सकते हो, मैं नाम इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पूरी रात ऐसी निकल गई, अभी सुबह के 5:13 हो गए, 10:15 का मेरा फ्लाइट है, तो शायद मैं सोऊँगा नहीं, तो सीधा अभी फ्लाइट में सोना होगा और दिल्ली में होटल में जाके मस्त क्वारंटाइन हो जाऊँगा 7 दिन के लिए, सो जाऊँगा भालू बन के एकदम। निकल गए एयरपोर्ट से, अभी जा रहे होटल में, बस है दिल्ली की, बस में बैठने का मौका मिला। सो गाइस होटल में पहुंच गया हूँ, काफी थक गया हूँ, 2 दिन बहुत मुश्किल से निकला है, हर जगह पे 6-6 घंटा वेटिंग करना पड़ रहा है, फॉर्म भरना पड़ रहा है, ये वो दुनिया भर की प्रॉब्लम थी। अभी जो बस में भी आया उसके पीछे भी एक पुलिस वाला आया, होटल तक बस छोड़ा, हम लोग उतरे, चेक इन किया, उसके बाद ही यहाँ से गया वो। बहुत हार्ड टाइम है, बहुत थक गया, बहुत टायर्ड हो गया हूँ, जाके शावर लेता हूँ, कुछ खाता हूँ, फिर यहाँ से सो जाऊँगा। आज तो हिम्मत नहीं है कि मैं नेट भी यूज़ करूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे रहे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और इन जॉय।